आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों की धींगा मस्ती के चलते ट्रांसपोर्टर परेशान हो चुके हैं। बिना वजह कागजों को बनाने में देरी करना, गाड़ियों के परमिट 2 से 3 महीने रोक कर रखना समेत ट्रांसपोर्टरों की कई शिकायतें हैं। जैसा कि आए दिन रोज ऐसी कंप्लेंट आती रहती है, हमारे जो सदस्य मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे जो है व्यवहार अच्छा नहीं है स्टाफ का, पैसे लेकर के भी काम नहीं होता और दो महीने तीन महीने गाड़ियाँ यहाँ नई गाड़ियाँ जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंड करती है। अब सिंगल मालिक कोई गाड़ी एक या दो गाड़ी खरीदता है, अगर वो 3 महीने गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, 2 महीने यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है पासिंग के रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, तो 70-80 हज़ार रुपये 1 महीने की किस्त पड़ती है गाड़ी की। यानी 1 महीने बॉडी भरने में लग जाता है, 2 महीने आपकी रजिस्ट्रेशन में लग गए, 3 महीने यानी 2.5 लाख रुपये अपने जेब से उन्होंने भरने पड़ते हैं। तो वैसे ही हमारी इस लाइन की हालात खस्ता है, ट्रांसपोर्ट लाइन की। पीछे कोरोना महामारी की वजह से भी बड़ी दिक्कत आई, उससे थोड़ा सा अभी सुचारू रूप से स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रॉपरली। अब ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई आरटीओ ऑफिस में भी, जैसे बार बार हम लोग चक्कर काटते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हमने ऑफिसरों को भी बात करी है, यादव जी ठीक है वैसे, जो बताया था इन्होंने जो आरटीओ साहब है वो अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा उनका जाती जा रही अच्छे, लेकिन उनकी जो नीचे टीम है वो प्रॉपरली कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ पर इकट्ठे होकर के आया आरटीओ ऑफिस, हमारा आने का मकसद है हमारी जो गाड़ियों के पेपर है वो कई कई महीने नहीं बनते हैं, जिस प्रकार से कि नई गाड़ियाँ आती हैं हमारी लगभग 70-70 हज़ार रुपये की किस्त होती है, अगर दो दो तीन तीन महीने हमारे पेपर नहीं बनेंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। गाड़ियाँ हमारी फाइनेंसर पकड़ लेते हैं, उसके बाद अगर हम बगैर पेपरों के चलाते हैं तो ये मोटे मोटे चलान काटते हैं। तो हम तो हर जगह से परेशान हैं, जब हम आरटीओ सरकार कहती है कि आप दलालों को अंदर मत घुसने दो, जब हम यहाँ आते हैं ये कहते हैं अपने दलालों से पूछो आपके पेपर कब तैयार होंगे। तो हमें ट्रिपल मार पड़ रही है, एक तो दलालों को पैसे दे के काम कराना पड़ रहा है, फिर ऊपर से हमें खुद को भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और तीसरा तीन तीन महीने हमारे पेपर नहीं होते। अब बताओ हम जाएं तो कहाँ जाएं। आज हमने लास्ट में हार के सभी ट्रांसपोर्टरों ने निर्णय किया कि आज आरटीओ ऑफिस का घेराव किया जाए, क्योंकि इस तरह से